कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर कर्नाटक में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। करीब 800 कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कर्नाटक बंद में भाग लिया है। बंद से कर्नाटक की रफ्तार थम सी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए एक हफ्ते से कम समय में यह दूसरी बार है जब कर्नाटक बंद हुआ है। बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रदेश भर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बंद का 3,800 पेट्रोल और डीजल पंपों ने भी समर्थन किया है। इतना ही नहीं, 53 तमिल चैनल भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। साथ ही स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। सभी तरह के व्यापारिक कॉम्प्लेक्स और दुकानों में भी ताले लटक रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट के शटर भी आज नहीं खुले। ऑटो, बसों और मेट्रो की रफ्तार भी रोक दी गई है। बेंगलुरु के सिनेमाघरों से तमिल फिल्में उतार दी गई हैं और यहां रहने वाली तमिल आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु को 10 क्यूसेक पानी रोज देने का प्रस्ताव दिया था, जबकि तमिलनाडु की मांग 20,000 क्यूसेक पानी की थी। कोर्ट ने दोनों राज्यों की मांग के बाद 15,000 क्यूसेक पानी का कोटा निर्धारित किया, लेकिन कर्नाटक की जनता कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक का कहना है कि उनके पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है, तो वो कहाँ से तमिलनाडु को देगा। कावेरी जल विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और राज्य का जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित है। अगर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सरकार को कर्नाटक की स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है। देखते रहिए टीवी लाइव।